तो क्या गाइस सबको पता है कि जब भी हम तेज रोशनी वाली जगह से एक अंधेरे कमरे में एंट्री करते हैं तो उसके दौरान हमें कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए गाइस उसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस जब भी हम अंधेरे कमरे से तेज रोशनी वाली जगह पे जाते हैं उस दौरान जो हमारी प्यूपिल होती है बहुत तेजी से गाइस क्या होती है सिकुड़ना चालू हो जाती है, एंड जो हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही थी और गाइस जो आसपास की जो लाइट होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इसको क्या करता है वो कम लाइट को अंदर जाने देता है जिसके वजह से हम क्लियरली देख पाते हैं। और गाइस उसी के साथ साथ जब हम लोग तेज रोशनी वाली जगह से एक अंधेरे कमरे में एंट्री करते हैं उस दौरान हमें क्यों नहीं दिखाई देता है कुछ समय के लिए, चलिए गाइस उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस जब भी हम तेज रोशनी वाली जगह से अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं उस दौरान जो हमारी प्यूपिल होती है धीरे धीरे क्या होती है डायलेट होना चालू हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे फैलना चालू हो जाती है। और गाइस उसके बाद से हम लोग 20-30 सेकंड के बाद इजीली पूरा क्लियरली देख पाते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा यार प्लीज यार गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड ऐसे और वीडियो पाने के लिए प्लीज यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसी के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट रख देना। चलिए गाइस अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।